हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? 8 बज चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का या चौथा क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगर इसके पहले के 3 क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अत्यंत तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को काफी सरल विधि से हल करने का मैंने आपको वहां पर तरीका बताया है, जो आपके एग्जाम में काफी उपयोगी होने वाला है। आज जिसे टाइप को लेकर के, जिस क्वेश्चन को लेकर के मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लड़के छोड़ देते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते, 90% तो बना ही नहीं पाते। जो 10% बनाते भी हैं वो काफी ज्यादा समय ले लेते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो आज अपने दिल को थाम करके बैठ जाएं, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको YouTube पर ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है, अक्सर अनपेड वीडियो में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। लेकिन आज मैं आपके लिए यह क्लास देने जा रहा हूं, तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ और चलो क्लास को शुरू करते हैं। रेडी? चलो क्वेश्चन पढ़ो बाबू। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को अगर बना सकते हैं तो वीडियो को रोके और अभी आप क्वेश्चन को बनाए, उसके बाद आगे देखिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, काफी आसानी से बना सकते हो। देखो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। यहाँ पे आपको यदि शब्द लगा होगा, देखो इस तरह का क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होता है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक जो इसके पहले बोला गया और एक जो बाद में बोला गया। तो पहले वाले पर हमें काम नहीं करना है। यदि के बाद हमेशा 2% वैल्यू आपको मिलेगा, हमेशा 2% वैल्यू मिलेगा। देखो मैं काफी आराम से समझा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे, इसके बाद आगे कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि के बाद आप देखो 1% वैल्यू तो यहाँ पे है, जो 20% कम है। अच्छा और ढूंढो तो 1% वैल्यू कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, और ये क्या है, 40% लाभ। सबसे पहले आपको इस प्रतिशत वैल्यू पे वर्क करना है। कैसे वर्क करना है? प्रतिशत वाला, अगर एक क्लास अगर प्रतिशत वाला आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको। मैंने एक फॉर्मूला दिया था, प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर यह फॉर्मूला अभी तक आपको याद है तो कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में। अब देखो इस फॉर्मूला पर अगर यहाँ पर बैठा है, चलो यहाँ पे 40 है, ये तो लाभ है, और लाभ होगा तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 40। अच्छा 20% कम है, कमी को निगेटिव वैल्यू मानते हैं, वृद्धि रहे तो प्लस और कमी हो तो माइनस, यानी कि -20। अच्छा प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस 40 और गुने 20 और बटा में 100। अभी अगर आप यहां से हल करो तो 40 से 20 को कम करोगे 20 होगा, और यहाँ पे तो 0 कट जाएंगे ना, यानी 4 और गुने 2 8, तो 20 से 8 को अगर घटा लो तो यहाँ पे 12% आपको मिलेगा, और यह 12% पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम लाभ बोलेंगे, और अगर यह निगेटिव वैल्यू होता तो हम इसको हानि बोलते। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? अगर यहां तक बात समझ गए तो आप एक चीज और जान लो, जब सेम नेचर होता है तब घटाते हैं। प्रतिशत के क्लास में ही पढ़ाए हुए हैं, अगर प्रतिशत का क्लास आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप देखें, मिल जाएगा। जब सेम नेचर हो, यानी कि प्रॉफिट हो और प्रॉफिट हो, और लॉस हो और लॉस हो, तो इसको सेम नेचर बोलेंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हो और लॉस हो, या लॉस हो और प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे बोलेंगे अपोजिट नेचर। तो जब प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है ना, सेम नेचर जहां भी होगा तो वहां पे घटाते हैं, और अपोजिट नेचर जहां पे होगा वहां पे क्या करते हैं, तो ऐड करते हैं। सेम नेचर में घटाते हैं और अपोजिट नेचर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर आप यह बात नहीं जानते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहना और हमेशा ध्यान में रखना। तो अभी देखो 12% लाभ हुआ। अब हम करेंगे क्या, तो यदि वाले पहले सेक्शन में देखेंगे, यदि के पहले कौन सा प्रतिशत वैल्यू आया हुआ था, तो यदि के पहले प्रतिशत वैल्यू कौन सा था, तो लाभ का। तो देखो यहाँ पे 12% लाभ है और यहाँ पे 10% लाभ है, तो बताओ कि यह सेम नेचर होगा या अपोजिट नेचर होगा, तो ये तो सेम नेचर होगा, यानी कि प्रॉफिट और प्रॉफिट,
यहाँ भी 10% का लाभ है और यहाँ भी 12% का लाभ है, दोनों ही प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, यानी कि 12 और 10 का अंतर लेंगे। तो 12 और 10 का अगर आप अंतर लोगे तो कितना होने वाला है, तो 2%। 12 में से 10 को घटाओगे तो होगा कितना, तो 2%। अब इस 2% का वैल्यू क्या होगा, तो देखो एक डाटा और है यहाँ पे, और वह डाटा क्या है, तो 10 रुपया। एक डाटा और है ना, और यहाँ पर क्या है, तो 10 रुपया। तो यह 2% का वैल्यू यहाँ पे हम 10 रुपया लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया कि क्रय मूल्य इसका ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होता है बाबू, तो हमेशा 100% होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का आपने अगर क्लास अच्छे से किया है पिछला 3 क्लास, तो अभी तक आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो 2% का वैल्यू अगर 10 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 2 में 5 का गुना करेंगे तब ना 10 होगा, तो 100 में 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 500 रुपया। यह आपका प्रश्न का एंसर होगा, 500 रुपया क्रय मूल्य होगा। बात समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं आप ले लें। देखो मैं एक बार पुनः समझाना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशनल वैल्यू लेकर चलेंगे, यदि कंडीशनल शब्द है, यहाँ के बाद का प्रतिशत वैल्यू हम देखेंगे। हमेशा क्वेश्चन में आपको 2% वैल्यू मिलेगा। यह फॉर्मूला तो आप जानते हो, +-x + -y + -xy/100 सभी जानते हैं ना। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब यह वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो लाभ और निगेटिव आया तो हानि बोलेंगे। अब देखो ऊपर में भी कुछ लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी। तो अब देखो दोनों अगर सेम नेचर हो जाए, दोनों प्रॉफिट हो जाए तो अंतर करेंगे, दोनों लॉस रहेगा तो भी अंतर करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट नेचर हो जाए, प्रॉफिट और लॉस हो या लॉस और प्रॉफिट हो, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, तो प्लस करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 12% लाभ था और 10% लाभ था, तो सेम नेचर हुआ, तो दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर होगा कितना, 2%। और यह 2% किसके बराबर होगा, तो इस क्वेश्चन में जो रुपया दिया हुआ रहेगा उस रुपया के बराबर। अभी 10 रुपया था ना, तो 2% का वैल्यू 10 रुपया। तो आपको क्रय मूल्य पूछा गया और क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत होता है, तो 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 500 रुपया। आपका इस प्रश्न का यह आंसर होगा। तो बताओ क्या इस तरह के प्रश्न अब आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपने ले लिया है तो चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब तो आप बना सकते हो। आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन में कंडीशनल शब्द जहां हो उसके बाद हम वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे 2% आपको मिलते हैं, 20% कम और 40% का लाभ। अभी तो यह डाटा हम लोगों ने लिया था, और 20% कम और 40% का लाभ हो तब तो आप मौखिक रूप से बना सकते हो ना। 40 से 20 कम करेंगे तो 20 होगा, और 40 × 20/100 करेंगे तो 8 होगा, और यहां से अगर 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12% पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो 12% क्या लिख सकते हैं, लाभ। यहां तक तो आप समझ पा रहे हो। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वहां 20% कम और 40% लाभ हो रहा था, तो यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। यदि के पहले वाले लाइन की तरफ जाएं तो यहां पर इस बार 10% लाभ नहीं किया है, 10% हानि है। तो हमने आपको बताया था ना कि अगर प्रॉफिट और लॉस हो या लॉस और प्रॉफिट हो, यानी जब नेचर अपोजिट हो, तो वैसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, तो प्लस करना पड़ता है। प्रॉफिट और प्रॉफिट रहता तो अंतर करेंगे, लॉस और लॉस रहेगा यानी सेम नेचर रहेगा तो अंतर, और अगर हमारे पास नेचर अपोजिट हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी 12% लाभ है और 10% हानि है, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो होगा कितना, तो 22%। और 22% का वैल्यू क्या होगा, तो जितना रुपया दिया हो क्वेश्चन में ना, उतने रुपए के बराबर होगा, यानी कि 55 रुपए के यह बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्रय मूल्य पूछा गया, और क्रय मूल्य हमेशा होता क्या है, तो 100% होता है।
तो 100% का वैल्यू बताना है। देखो 11 से तो दो बार में कैंसिल कर सकते हैं ना, 11 से दो बार में और 11 से पांच बार में कैंसिल किया जा सकता है। अब देखो इस दो से इस 100 को आप कैंसिल कर सकते हो कितना बार में, 50 बार में। सीधा में हमेशा कटाते हैं, भाग दिया जाता है, और क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। प्रतिशत वाले क्लास में भी आपको समझा चुके हैं, 22 और 55 यह बिल्कुल सीधा है, 22 और 100 यहाँ पर ये भी सीधे हैं, तो यहाँ पे हम भाग देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको छोटा करेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 50 और 5 का गुना करोगे तो होगा कितना, 250। तो 250 रुपया इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बताओ अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको परेशानी होने वाली है? मुझे नहीं लगता है कि अब ज्यादा आपको कोई परेशानी होने वाला है। तो चलो एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन को मैं लेता हूं और आपके लिए हल करता हूं। एग्जाम में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन जो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसको अभी हम लोग हल करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, घोड़े का क्रय मूल्य था। अब इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है अपने काम का वह क्या है, तो 15% के लाभ पर इसको तो बेच रहा था, लेकिन हमको तो अभी इससे मतलब है नहीं। जहां पर यदि लिखा हुआ है वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं ना, तो यदि के बाद क्या बोला गया, एक जगह बोला गया कि 25% कम पे खरीदा और एक जगह उसने कहा कि 32% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 60 रुपया में इसे बेचा गया। अभी देखो यदि के बाद दो हमारे पास प्रतिशत वैल्यू है, तो यहाँ पे अब तो फॉर्मूला आप समझ रहे हो, यानी कि जब हमें हल करना पड़ेगा तो 32 - 25 और -32 और -25 और बटा में 100, ऐसा ही करेंगे ना। अच्छा हल करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 32 से 25 को माइनस करो तो 7 होगा, होगा ना। और यहां से हल करो तो 25 से 4 बार में कटेगा और 4 से 8 बार में, निगेटिव साइन है तो माइनस लिखेंगे 8। तो यहां पे 7 से 8 को अगर माइनस करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या निगेटिव मिलेगा, आप मुझे बताओ। आपको तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, यानी कि आपको यहां पर निगेटिव में -1 लिखना पड़ेगा। और -1 का मतलब क्या होता है, अगर प्लस में वैल्यू है तो लाभ और माइनस में है तो क्या होगा, हानि होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 1% का, यहां पे आप कह सकते हो कि 1% क्या हो रही है, तो यह हानि हो रही है। तो देखो 1% का हानि है। अच्छा शुरू में हो क्या रहा था, तो 15% का लाभ हो रहा था। जब नेचर अपोजिट हो जाए वैसे स्थिति में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब तो आप समझ चुके होंगे, सेम नेचर में अंतर लेंगे और अपोजिट नेचर में क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। तो 15 और 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 16 होगा। यानी कि अब आप यह कह सकते हो कि 16% का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होगा, कितना रुपया दिया हुआ था, 60 रुपया ना, तो 16% का वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगा, 60 रुपए के बराबर। क्रय मूल्य पूछा गया ना, यानी 100% का वैल्यू आपको बताना है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, आप यहां से हल कर लो। देखो 4 से 4 बार में और 4 से अगर इधर कैंसिल करें तो 15 बार में और 4 और 4 से 100 को अगर कैंसिल करो तो 25 बार में। पर आपको बताया गया था ना, अभी हमने बताया था कि क्रॉस में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 25 और 15 का गुना करो तो 375 होता है। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 375 रुपया। बात समझ में आ रही है? देखो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि जो चीजें मैं अभी प्रारंभ में बता रहा हूं आपको इतना कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, काफी आसानी से आप हल कर पाओगे। मुझे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, सभी डाटा हमें रखने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते जाओगे आसानी से प्रश्न आपके हल होते चले जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता,
तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो इस क्वेश्चन में भी 15% के लाभ पर बेचा गया था, लेकिन हमको तो अभी इससे मतलब है नहीं। कोई मतलब है क्या? नहीं ना। जहां पर यदि शब्द लगा होगा वहां से हम आगे देखेंगे क्या हो रहा था। तो यदि शब्द जहां पे लगा हुआ है वहां आगे बोला गया कि अगर यह 10% कम मूल्य पर खरीदता तो इसे क्या होना था, तो बोला गया कि 25% का लाभ होता। यदि के बाद तो आपका यही टर्म दिया हुआ है, और मैंने आपको समझाया था कि यदि के बाद जो टर्म दिया हो वहीं पे आपको काम करना है। तो आप जानते हो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, तो 25% का लाभ है तो 25, अच्छा 10% कम बोला गया तो -10, और माइनस में 25 × 10 और / 100 लिखना पड़ेगा हमें। कोई परेशानी हो रही है? अच्छा 25 में से 10 को घटा लो तो क्या होगा 15, और माइनस में क्या होगा भाई, तो 25 और / 10 है तो इसको 2.5 भी आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। तो 15 में से 2.5 को अगर आप घटा लो तो आपके पास बचेगा क्या, तो 12.5, और यह पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। पॉजिटिव वैल्यू को क्या कहा जाता है, लाभ कहा जाता है। अभी देखो 15% का लाभ था और यहाँ पे 12.5% का लाभ है, और जब प्रॉफिट और प्रॉफिट अगर हो जाता है तो हम करते क्या है, तो अंतर लेते हैं, लेते हैं ना अंतर। अगर सेम नेचर हो तो क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। तो देखो 15% लाभ और 12.5% लाभ क्या होगा, 2.5%। तो 2.5% होगा किसके बराबर, तो क्वेश्चन में जो रुपया दिया हुआ रहता है उसके बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन में रुपया कितना दिया हुआ है, तो 4 रुपया कम में, कम हो ज्यादा उससे कोई आपको मतलब ही नहीं, बस रुपया है ना जी, तो रुपया पकड़ लो। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य निकालना हो क्रय मूल्य निकालना हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो वो तो 100% होता है। अगर आप यहाँ से हल करो, देखो अगर दशमलव से आपको ज्यादा परेशानी हो रही हो ना, तो दशमलव हटाने का मैं तरीका बताता हूँ। दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो आप इस दशमलव को हटा सकते हो और 1 0 आप रख सकते हो। दशमलव के बाद जितना अंक होगा ना उधर बराबर के उधर अगर भेजोगे तो उतना 0 रख सकते हो। देखो 2.5 का मतलब 25 / 10 हुआ ना, तो बटा में 10 हुआ तो बराबर को उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 25% का वैल्यू 40 ऐसे बोल सकते हैं, और 25 से 100 को आप कैंसिल कर सकते हो कितने बार में, तो 4 बार में, और 40 और 4 का गुना करो तो होगा कितना, 160 होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़ो तो बाबू, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, साइकिल का लागत मूल्य था। डाटा चुराओ बाबू, क्या बोला गया, 10% लाभ पर यह इसको बेच दिया। कितना पर बेचा, 10% लाभ पर, लेकिन हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि लगा होगा वहां से आगे हमको जाना है। अच्छा यदि के आगे क्या हुआ था, तो अगर यह 10% कम पे खरीदता पहली बार तो उसे, अब दूसरा प्रतिशत वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर बोला गया कि 10% अगर कम पे खरीदता तो इसको 25% का लाभ होता। क्या होता, 25% का लाभ होता। अभी रुपया से कोई मतलब है नहीं, आप जानते हो कि यदि के बाद का जो प्रतिशत वैल्यू है यही पर काम करना है। अभी इस डाटा पे आप काम कर चुके हो तो आपको करना क्या होगा, 25 और -10 और -25 और / 10 और / 100 हल करोगे, आप जानते हो 12.5% के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? और 12.5% या पॉजिटिव वैल्यू होगा तो इसे क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। देखो यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, दोनों जगह पे लाभ है ना। तो अगर यह दोनों जगह पे लाभ है तो दोनों के बीच हमें क्या करना पड़ेगा, लाभ और लाभ हो तो हमें अंतर लेना पड़ेगा। तो 12.5 और 10% दोनों के बीच का जब अंतर लेंगे तो ये होगा कितने के बराबर, तो 2.5% के बराबर होगा। देखो बिल्कुल बच्चा की तरह समझा रहे हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ लेकर के आपको सीरीज में आ रहे हैं कि ताकि डाटा आपको मिलता जुलता मिले, ताकि आप बात को समझ सको। तो देखो अब रुपया का जरूरत है हमको, तो रुपया कितना दिया हुआ था, तो 60 रुपया।
कम है ज्यादा है उससे कुछ माथापच्ची नहीं करना है, सीधे आप देखो 2.5% का वैल्यू क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो तो वहां 60 रुपया दिया हुआ है ना, आपको लागत मूल्य बताना है यानी क्रय मूल्य निकालना है, होता कितना है 100%। अभी आपको तरीका बताए थे कि अगर दशमलव हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो आप 10 यहाँ पे लगा सकते हो। तो देखो 25 से 4 बार में कैंसिल कर सकते हो, तो 600 और 4 का क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कितना, तो 2400 रुपए के बराबर। देखो तो पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। देखो इस क्वेश्चन में दिया है एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी, यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 से अधिक कीमत पर बेची होती, या 33 रुपया होना चाहिए, 33 रुपया अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब तो आप डाटा चुराना जान गए हो, शुरू में क्या हुआ था तो 5% हानि पर इसने बेचा था, लेकिन इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, जहां यदि लगा होगा उसके बाद क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पर मुझे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। तो 10% अगर कम कीमत पर अगर यह बेचे तो इसे क्या होने वाला है, तो 30% का लाभ होने वाला है। अब तो आपका प्रतिशत वैल्यू अब तो समझ में आ रहा होगा कि आपको करना होगा, तो 30 और -10 और -30 और -10 और 100, कोई परेशानी हो रहा है आप यहां से हल कर सकते हो। 0 to 0 कैंसिल करोगे, 30 में से 10 को घटाओगे तो 20 होगा, और यहां 3 और 1 का गुना करेंगे तो 3 होगा, 20 में से 3 को अगर कम कर लें तो 17%, और 17% पॉजिटिव वैल्यू है तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हानि है और यहाँ पे क्या है, तो लाभ है, तो लाभ और हानि होता है, तो ऐसे स्थिति में करते क्या है, तो जोड़ा जाता है, तो 17 और 5 को जोड़ेंगे, बोले थे ना अपोजिट नेचर होगा तो प्लस करेंगे, 17 और 5 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 होगा, यानी 22% का वैल्यू किसके बराबर। अब रुपया की जरूरत है तो देखो क्वेश्चन में 33 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 33 रुपया कम ज्यादा उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपसे लागत मूल्य पूछा गया, यानी कि आपको 100% का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आ रही है, अगर 11 से 2 बार में कैंसिल करो, 11 से 3 बार में, 2 से कितना बार में कैंसिल कर सकते हो, तो 50 बार में, बोले थे ना क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, 50 और 3 का गुना करो, 150 होगा, यानी 150 रुपया इसका लागत मूल होगा, क्रय मूल होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया हुआ है, कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है, उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का अभी लाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य क्या है। अब तो डाटा चुराना आपसे गए हो, क्या उसको चाहिए था 20% का लाभ, लेकिन क्या अभी आपको इससे कोई मतलब है, आप बोलोगे नहीं। आपको क्या चाहिए, यदि शब्द जहां लिखा होगा उसके बाद क्या बोला गया, तो बोला गया कि 10% कम पे खरीदी होती तो भी 20% का क्या होता, लाभ होता। अब तो 10% है, 20% ये कमी है तो माइनस होगा, और लाभ है तो प्लस होगा। अभी तक आप जान गए हो, ऐसे भी मौखिक हल करोगे, 20 में से 10 को कम करोगे 10 होगा, और गुना करके बटा 100 करेंगे तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8% यहाँ पे लाभ होगा, और चूंकि 8% लाभ है और ये भी लाभ है तो दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, 20 में से 8 को कम करेंगे 12, बता सकते हो ना। चलो मैं हल कर लेता हूँ, तो 20 और -10 और -20 और -10 और 2 में क्या होगा 100, 0 to 0 कैंसिल करो तो अभी 20 में से 10 कम करो 10, जैसा कि मैंने बताया तो 8%, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू होता है इसको क्या बोलते हैं, लाभ। अब देखो दोनों का नेचर क्या हुआ, सेम, और जब नेचर सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, याद है ना, अंतर लेते हैं, सेम नेचर होगा तो घटाएंगे, तो 20 में से 8 को घटाओगे तो बाबू होगा कितना, 12, और 12% का वैल्यू क्या, अब रुपया की जरूरत है, तो क्वेश्चन में तो रुपया दिया हुआ है ना, कितना रुपया दिया हुआ है, ये 30 रुपए के बराबर होगा। आपको क्रय मूल्य निकालना है ना, तो 100%, अगर यहां से आप हल करो तो देखो 4 से 3 बार में और 4 से 25 बार में कैंसिल किया जा सकता है, 3 से 30 को कितना बार में, तो 10 बार में, क्रॉस में करते क्या हो, तो क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 250 रुपया होगा या ना होगा, बात समझ में आ रही है। तो क्या इस तरह के प्रश्नों को हल करने में अब आपको परेशानी होगी,
मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आप नोट्स कंप्लीट बनाओ, वीडियो को एक बार दो बार अच्छे से देख लो और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं आपको अच्छे ढंग से इस तरह के प्रश्न को हल करना समझा पाया या नहीं समझा पाया। अगर मैंने आपको अच्छे ढंग से नहीं समझाया ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार है, मैं बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई जरूरत नहीं है। मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर मैं पढ़ाऊं और आप समझ नहीं पाओ तो फिर बेकार है, और अगर मैंने आपको समझाया तो आप मुझसे वादा करो कि आप कम से कम प्रत्येक दिन 10 विद्यार्थियों को जरूर यह वीडियो, जो भी मैं वीडियो भेजता हूँ आपको जो अच्छा लगता है तो उन तक पहुँचाओगे, और कम से कम सब्सक्राइबर्स की संख्या जो अभी आवश्यकता है, जो यूट्यूब के गाइडलाइन के अंतर्गत आता है, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्रयासरत रहोगे। मैं अपनी जिम्मेवारी अगर निभा रहा हूँ तो आप अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। आप कंप्लीट वीडियो देखो, क्वेश्चन को हल करो। अगर क्वेश्चन आपसे हल हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तभी दूसरे को भेजो। अगर आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर बिल्कुल यह क्लास बोरिंग लगा, नहीं समझ में आया। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको समझ में आया होगा तो। थैंक यू।